नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं, उस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने 14.1 कर लिया था, आज हम 14.2 में एंटर होने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष में स्थित रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें। आइए देखते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष में एक रेखा पहले से गिवन है, उसको वेक्टर बी से डिनोट मैंने किया है। यहां पर एक बिंदु ए से एक रेखा गुजर रही है, उस ए का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश है, वो वेक्टर ए है। इस रेखा जिसको मैंने एल नाम दिया है, इस रेखा पर एक मैंने अन्य बिंदु की कल्पना की, उसको मैंने पी नाम दिया, और पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर से मैंने लिखा है, और इसकी डायरेक्शन U है और U है, ये दोनों समांतर है। कौन? ये रेखा L इस सदिश V के समांतर है। हमें इस रेखा जो L है इसका समीकरण, कार्तीय और रेखिक दोनों समीकरण, सदिश समीकरण दोनों ज्ञात करने हैं। आइए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर त्रिभुज नियम अप्लाई करता हूं। और त्रिभुज नियम किस पे लगाऊंगा मैं? त्रिभुज नियम मैं लगाऊंगा इधर ओ ए पी पर। ओ ए पी पर हम क्या लगाएंगे? त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो क्या आएगा? ए पी सदिश बराबर ओ पी सदिश माइनस ओ ए सदिश। OP वेक्टर R से डिनोट है और ये वेक्टर A से डिनोट है। ये हुआ AP। जब ये पूरी लाइन L इस सदिश B के समांतर है, तो ये सदिश AP बना वो भी तो इस B के समांतर होगा ना। यदि कोई लाइन इसके समांतर है, तो इस लाइन का प्रत्येक भाग, प्रत्येक टुकड़ा इस सदिश के समांतर होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए बी है वो समांतर है किसके? बी की। यानी सदिश जो ए पी आया वो समांतर है सदिश बी के। और दो सदिश जब समांतर होते हैं तो वे एक दूसरे के लैम्ब्डा गुणनफल में विद्यमान होते हैं। जब दो सदिश समांतर होते हैं तो वे एक दूसरे के लैम्ब्डा गुणनफल में विद्यमान होते हैं। अब आगे देखिए, हम लैम्ब्डा गुणनफल की बात कर रहे हैं। हम तो एपी का मान था वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, और इधर लैम्ब्डा वेक्टर बी ऑलरेडी पढ़ा था। वेक्टर आर पता करना है तो ए उधर चला जाएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा बी, यह हो गया रेखा एल का सदिश समीकरण। रेखा जो हमने बनाई है एल, उसका सदिश समीकरण है। ओके, रेखा एल का सदिश समीकरण। इसको कार्तीय में यदि बदलना है, ये सदिश है, इसका यदि कार्तीय बनाना है तो क्या करेंगे? देखो, हम सदिशों को लिखते हैं क्या कि
इनको हम घटक के रूप में लिखें तो वेक्टर आर को हम लिख दें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के आया आए समझ में। और जो हमारा वेक्टर ए है वो है एक्स वन आई कैप वाई वन जे के प्लस जेड वन के कैप। और जो वेक्टर बी है उसको ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप से लिखता है। तो देखिए जरा मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं इस पार्ट को कि वेक्टर आर इससे यदि मैं लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करूं यहीं से देख लो तो 20 के भाग में चला जाएगा किसके वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और बटा वेक्टर बी बराबर किसका वैल्यू आ गया ये लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब मैं इस लैम्डा के वैल्यू इस पार्ट में वेक्टर ए बी और आर के घटक की फॉर्म लिखता हूं तो ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि वेक्टर आर हो गया ये और ये वाला और ए हो गए घटेंगे तो x माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई माइनस वाई वन जे के प्लस जेड माइनस जेड वन के ऊपर बनेगा x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे के प्लस जेड माइनस जेड वन के बटे में क्या पड़ा है बटे में पड़ा है वेक्टर बी ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप ये बाद में आया इसके लेमड़ा का वैल्यू निकाले तो लेमड़ा एक स्थिर वैल्यू है समांतर होने के लिए तो लेमड़ा एक्स की वैल्यू है इसे हम सी के कैप लिखेंगे तो लेमड़ा का वैल्यू जो आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो उसको हम लिखेंगे लेमड़ा इज इक्वल एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हो गया एक रेखा का कार्तीय समीकरण। स्टूडेंट्स कार्तीय समीकरण में क्या होता है कि ए बी सी तो उस सदिश के दिक अनुपात होते हैं जिसके समांतर वो रेखा जा रही है एक्स वन वाई वन और जेड वन उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जिस बिंदु से रेखा जा रही है और एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं रखा जाता वो एक अज्ञात बिंदु आर की दिक अनुपात होते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा अंतरिक्ष में स्थित किसी रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण। स्टूडेंट्स देखिए आगे हम यदि बात करें कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण कैसे ज्ञात होता है वही बात करूं मैं 3D में ये OX है ये OY है और ये OZ है। दो बिंदु लेता हूं इसके ऊपर दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण हमें चाहिए तो
थोड़ा से दूर ले ले रहा हूं। इस ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, और इस पे एक अन्य बिंदु की मैं कल्पना करता हूं उसका पोजीशन वेक्टर आर है। हम देखें तो ए भी एक रेखा पर स्थित दो बिंदु है, पर यहां बीच में पी लिया तो इसके दो भाग भी बन गए, एक तो एपी बन गया और एक एबी बन गया, एक तो एपी बन गया और एक एबी बन गया। देखिए ये चित्र मैंने समझा दिया, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो इसी तरह लिखनी है कि एक रेखा के ऊपर दो बिंदु ए और बी इस प्रकार स्थित है कि ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए और बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी है, इनके मध्य में एक अन्य बिंदु की कल्पना की P जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है। आप कहेंगे यहां से काम स्टार्ट होता है कि चूंकि AP AP समांतर है, सदिश बोल दो जी, AP समांतर है AB की, क्योंकि समांतर या संरेख होने का एक ही प्रतिबंध है कि AP बराबर लेमड़ा AB लिखा जाए। ओके, आपको चित्र पता है AP कैसे आएगा? त्रिभुज का नियम लगेगा OAP में, OP माइनस OA बराबर AB, यानी OP माइनस OA बराबर AP। लैम्डा ब्रेसेस ये कैसे आएगा? OB माइनस OA। OP को हमने वेक्टर R से लिखा है, OA को हमने वेक्टर A से लिखा है, लैम्डा पढ़ा है, OB को हमने वेक्टर B से लिखा है, OA को हमने वेक्टर A से लिखा है। अब यहां से वेक्टर ए का ट्रांसफर कर देंगे तो बन जाएगा वेक्टर ए प्लस लेमड़ा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली जिनका स्थिति सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी होता है का ये सदिश समीकरण है। कौन सा समीकरण है? सदिश समीकरण। और इस सदिश समीकरण में स्टूडेंट्स क्या है कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा वेक्टर बी माइनस ए। अब हम स्टूडेंट्स यहां पर इसका कार्तीय समीकरण यदि याद करना चाहते हैं तो मैं ये लिखता हूं कि मान लिया कि जो बिंदु पी है वो उसके निर्देशांक एक्स वाई और जेड है, ए के एक्स वन y1 और z1 है, b के x2 y2 और z2। तो जो r है वेक्टर r होगा xik प्लस yjk प्लस zk के, वेक्टर a होगा x1ik प्लस x1ik प्लस y1jk प्लस z1k के, और ये x2 ik plus y2 jk plus z2 k। अब यहां लाकर इनको मैं रखता हूं, मैं इसी स्थिति की बात करता हूं, इस स्थिति की बात करता हूं और इसको नीचे लाके लिखता हूं। तो r में से a घटेगा तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा x minus x1 i cap plus y minus y1 z के प्लस z माइनस z1 k का, ये तो बन गया ये वाला बराबर लेमड़ा जो हमारा b माइनस a, b कौन है x2 y2 z2 a क्या x1 y1 z1, जब b माइनस a आएगा तो x2 माइनस x1
आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे के प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये दो सदिश अपने आप में, लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये बराबर तभी होते हैं जब आई जे के गुणांक समान होते हैं। इसका आई का गुणांक है लेमड़ा एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका आई का गुणांक है एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी एक्स वन माइनस सॉरी एक्स माइनस टू एक्स वन है वो लैम्डा x2 माइनस x1 के बराबर होगा। और यहां से मैं जब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो वो मुझे प्राप्त होती x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1। इसी प्रकार y2 माइनस y1 लैम्डा साथ आएगा, लैम्डा y2 माइनस y1 y माइनस y1 के बराबर होगा। तो यहां पर जो लेमड़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, और थर्ड में लेमड़ा की वैल्यू आएगी वो z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। और लेमड़ा ये हो इससे निकालो या इससे निकालो, तीनों से आ तो लेमड़ा ही रहा, तो लेमड़ा हर स्थिति में समान है। अतः हम इसका कार्तीय समीकरण लिख देंगे कि x माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन बटे जेड टू माइनस जेड। ये होता है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय। और ये तो रहा हमारा सदिश समीकरण, और ये रहा कार्तीय, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। स्टूडेंट्स ये हुआ हमारे पास आज के दो डेरिवेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ एग्जांपल हैं उनकी बात करते हैं। आइए मेरे पास, मैं पहले लिख देता हूं कि सवाल को पढ़कर आपको पता लगाना कि दो बिंदु वाला है या फिर मैंने फर्स्ट में बताया था कि कोई रेखा किसी दिए गए सदिश के समांतर होता। सवाल पढ़ता हूं पहले, बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली और सदिश 3ik + 2jk - 8kk के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। यानी हमें बिंदु दिया हुआ है, बिंदु है हमारे पास में 5, 2, -4 5, 2, -4 और सदिश जिसे हम b कहते हैं वो हमें गिवन है 3ik + 2jk - 8kk। ओके, तो किसी सदिश के समांतर, इस सदिश के समांतर जाने वाली ठीक है रेखा का हमें पहले सदिश समीकरण चाहिए, और वो है फॉर्मूला उसका ये होता है वेक्टर r इज इक्वल वेक्टर a, यानी जो पॉइंट दिया गया वो a है और लैम्ब्डा बी से लिखा जाता है। तो वेक्टर आर बराबर ए का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 5ik + 2jk - 4kk + लैम्ब्डा और बी हमें गिवन है 3ik + 2jk - 8kk। ये इसका वेक्टर
इक्वेशन हो गया। अब इसी का हमें यदि कार्तीय चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी होता है, जहां x1, y1, z1 उस बिंदु के निर्देशांक है जहां से वो रेखा गुजर रही है और a, b, c उस सदिश के दिक अनुपात है जिसके समांतर गुजर रही है। दिक अनुपात हो गया 3, 2, -8। वैल्यू रखता हूं x माइनस एक्स वन है, y1 है, z1 है, 5, ए आया हमारे पास 3 बराबर y माइनस वाई वन, वाई वन है 2 और b है हमारे पास 2 बराबर z माइनस जेड वन माइनस का 4 है, यहां सूत्र भी माइनस का और प्लस का 4 हो गया और बटे c, c का वैल्यू माइनस के 8। ये हो गया हमारा कार्तीय समीकरण और ये हो गया हमारा सदिश किसी बिंदु से गुजरने वाली और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस एक्स वन बराबर y अपॉन a बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी और सदिश होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमड़ा b। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, अच्छी तरह मेहनत करें, पढ़ाई करें, होमवर्क जरूर करें और अच्छी तरह से ध्यान रखें इस बात का आप कि ये जो अब जितने भी सूत्र मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जितनी भी डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनको ढंग से समझना है, देखना, तैयार करना है, क्योंकि जब तक ये सूत्र आपको अच्छी तरह से पता नहीं है या सवाल पढ़ते आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, तो आप सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।